कैसे हैं? वेलकम है एक बार दोबारा आपका ए टू जेड लर्न प्रोग्रामिंग में। आज हम ए टू जेड जानेंगे कि किस तरीके से हम यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। और आज का वैसे हमारा मेन टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। क्या होता है कंट्रोल स्ट्रक्चर, किस लिए यूज़ करते हैं, इस तरीके की बहुत सारी समस्या हमारे सामने एक्चुअली आती है। तो कुछ खास तरीके की स्टेटमेंट्स का हम यूज़ करते हैं जिसकी वजह से आपका जो कोर और बेसिक है बहुत ज़्यादा कोडिंग क्रिएट करने का, प्रोग्रामिंग सीखने का, जिसकी वजह से आप जो है ना बहुत बेहतर प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं अगर आपको ये सारी स्टेटमेंट अगर आ जाए तो। फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे पहले कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूँ, अभी तक जितने भी हमने जो प्रोग्राम्स करे सिर्फ टर्नरी को छोड़ के, सारे जो प्रोग्राम है या उनकी जो हमने कोडिंग की है उसमें जनरल यही है कि हमको सिर्फ ऑपरेशन या हमने जो भी एक ऑब्जेक्टिव अपना प्रोग्राम का लिया है उसको हम सिर्फ कर रहे हैं। बट एक्चुअली हमारे पास कोई एक कंडीशन नहीं है उसके लिए हमारे पास। जैसे कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि बस आप आओ या मत आओ, मैं आपको सैलरी दे रहा हूँ क्रेडिट, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर ये कंडीशन लगा दूँ कि अगर आप आओगे तो आपको सैलरी मिलेगी। फिर उसके बाद आने के बाद एक कंडीशन ये भी होगी कि अगर आप जितने डेज आ रहे हो फिर उसी की सैलरी मिलेगी, बाकी डेज की सैलरी भी काट दी जाएगी। तो ये जो हम टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं ये कंडीशन बेस पे है। अभी जनरली क्या होता है, देखिए हम जनरल प्रोग्राम सारी जो कर रहे हैं विदाउट कंडीशन की, एरिया सर्कल निकाल दो या सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो या कन्वर्ट नेगेटिव टू पॉजिटिव कर दो, इस तरीके की सिचुएशन आती है हमारे पास। पर एक्चुअली ये सिंपल प्रोग्राम्स है, पर हम अगर कंडीशन बेस पे कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं या कुछ निकालना चाहते हैं कोडिंग वगैरह, यानी किस तरीके का लॉजिक लगाना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर की हेल्प लेनी पड़ेगी। कंट्रोल स्ट्रक्चर मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसे कंट्रोल किया जाएगा बाय यूजिंग सम कंडीशंस कॉल्ड द कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर सी के अंदर दो तरीके के होते हैं, एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होती है, दूसरा इसके अंदर लूपिंग, इसे आइट्रेशन स्टेटमेंट भी कहा जाता है। मोस्टली लोग उसे लूपिंग स्टेटमेंट्स के नाम से ही जानते हैं। तो पहले हम जो सीखने वाले हैं वो होते हैं हमारे लूपिंग स्टेटमेंट्स, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। तो आज हम जो स्टडी करेंगे और जिसकी शुरुआत अभी पूरी हम क्लासेस में लेते रहेंगे, इट मीन्स वो होगी आपकी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स और लूपिंग स्टेटमेंट्स में एक छोटा सा डिफरेंस, बट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि हम बहुत सारी कितनी भी कंडीशन दे दें और रिजल्ट सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होता है तो उसे हम बोलते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में आप रिजल्ट एक ही बार से डिस्प्ले करवा सकते हैं, स्टे और कंडीशन कितनी बार भी आप चेक कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। बट एक्चुअली क्या होते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं और 100 स्टूडेंट में से जिनके मार्क्स 500 में से 450 है या उससे ज़्यादा, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को हम स्पेशली सी पढ़ाएंगे। हमने कंडीशन रख दी, अगर मैं यही सिर्फ इफ स्टेटमेंट्स को चेक करता हूँ, सपोज करो 100 में से पहले 5 स्टूडेंट का नहीं है पर आगे नेक्स्ट 5 स्टूडेंट जो आएंगे उनमें से 2 स्टूडेंट्स का है, लेकिन अगर मैं इफ चेक करता हूँ तो वो क्या करेगा, जहाँ पे कंडीशन मिल जाएगी से जो हमने टेस्ट करी है वो उसी से डिट सिर्फ रिजल्ट एग्जीक्यूट कर देगा, उसके बाद प्रोग्राम से वो बाहर आ जाएगा। तो ऐसे केस में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या हो जाती है, काम नहीं करती। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, लूपिंग की हेल्प लेते हैं। तो लूपिंग में हम क्या करते हैं, जहाँ तक हमें चेक करवाना है वहाँ तक की कंडीशन चला देते हैं। जैसे मुझे 1 से लेके पहले स्टूडेंट से लेके और 100 स्टूडेंट तक चेक करना है तो मैं 100 स्टूडेंट्स तक की कंडीशन उसमें मेंशन कर दूँ, देन उसके बाद वो उसको चेक करता रहेगा, उसमें जो जो मैच होता रहेगा वो प्रिंट होता रहेगा। ओके, तो ये होता है इसका फ़ायदा लूपिंग स्टेटमेंट्स का, और ये होती है ड्रॉबैक हमारी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स का। पर लूपिंग के अंदर आप डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट ईजिली यूज़ कर पाओगे जिसकी वजह से आपके रिजल्ट मोर देन 1 प्रिंट हो सकते हैं, पर नीड किसकी होगी, लूपिंग स्टेटमेंट्स की। पर हम पहले सबसे पहले सीखेंगे अपने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के अंदर जो हम कंडीशन 1 ईयर दे 10,000 दे और रिजल्ट आपका सिर्फ वंस यानी सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट किया जाएगा, डिस्प्ले किया जाएगा, ओके, पहले ही उसकी नेक्स्ट वाली कंडीशन उसमें वो मैच होती है या नहीं होती है उससे कोई फ़र्क उसको नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले हम आज सीखेंगे इफ स्टेटमेंट। आज सिर्फ हम इफ स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे, स्टेटमेंट क्या काम करती है और उसमें आप कैसे यूज़ करेंगे, इसकी क्या ड्रॉबैक है, वो हम आपको आज क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले हम अपना सी स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया इफ स्टेटमेंट, तो इफ स्टेटमेंट ये सबसे पहला
टाइप और कैटेगरी है हमारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में, तो हम सबसे पहले ये सीखेंगे इसके अंदर। ऑलरेडी एक प्रोग्राम स्वैपिंग का लास्ट मैंने क्लास में जाया था वो उसमें है, सो मैं थोड़ा सा यहीं पे चेंजेस कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे हमने कोई भी वैल्यू ले रखी है और रिजल्ट वगैरह के लिए हम ले लेंगे एक मिनट, इसी को रख लेते हैं फिलहाल। ओके, सो इफ का जो हमारे पास सिंटैक्स होता है वो इफ़ का, एक बार मैं सिंटैक्स आपको बता देता हूँ क्या होता है। हम जब इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो इसमें कंडीशन या कंडीशंस का आप यूज़ करेंगे, पर हर किसी कंडीशन या कंडीशंस का जो ट्रू और फॉल्स पार्ट होता है वो सिर्फ आप उसे एक ही बार चेक कर सकते हैं। इट मीन्स यानी कि ट्रू या फॉल्स में से कोई एक ही पार्ट आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं इफ कंडीशन में। अगर हम कोई भी कंडीशन चेक करवा रहे हैं, अगर मान लो वो कंडीशन हम ट्रू के लिए चेक करवा रहे हैं और रिजल्ट फॉल्स हो जाता है, तो क्या होगा, वो जो हमारा एग्जीक्यूशन पार्ट होगा सेकंड वो कभी प्रिंट ही नहीं करेगा इसके अंदर। तो हम सिर्फ इफ कंडीशन में, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये देखिए स्टेटमेंट, ये इसका सिंटैक्स है। आपको सिर्फ इफ और कंडीशन मेंशन करनी है, जो भी कंडीशन देनी है। आप कंडीशन एक दो, दो तीन, दो चार, दो लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से दो लगा के कोई इशू नहीं है। एक ही बार आप इफ यूज़ कर रहे हो, देन उसका जो कंडीशन यहाँ पे या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, जो ही कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो जो भी होगी अगर मैं उसे ट्रू के लिए चेक करवाऊँ तो स्टेटमेंट प्रिंट, अगर मान लो वो जो मैं कंडीशन चेक कराऊँ फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पे कोई सेकंड ऑप्शन हमारे पास होगा ही नहीं अवेलेबल कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो इट मीन्स तो रिजल्ट भी आ जाए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आप सेकंड जो पार्ट होता है हमारी कंडीशन का, एक ट्रू होता है फॉल्स होता है, उसमें से कोई एक ही पार्ट आप इसमें सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकते हो, दोनों के साथ एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो, ये इसकी ड्रॉबैक है। लेकिन यही इसकी खासियत है, समटाइम्स हमें ऐसे प्रोग्राम बनाने होते हैं जहाँ पे हमारे को एल्स यानी उसका सेकंड ऑप्शन चेक करना ही नहीं होता है, तो देन हम इफ़ कंडीशन की हेल्प ले सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में ये इसका सिंटैक्स था, अब हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। अब मैंने यहाँ पे आपको पता ही है किसका यूज़ करा है, यहाँ पे यूज़ करा है यहाँ पे ये आपके जो है कमेंट दे रखे हैं मैंने, मल्टी लाइन कमेंट्स बोलते हैं। ओके, सो अभी फिलहाल गाइस हम क्या करने वाले हैं, हमने छोटा सा प्रोग्राम चेक कर रहे हैं, दुहिया नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो प्रिंट कर दें, नेगेटिव है तो कोई रिजल्ट एग्जीक्यूट ही ना करें। तो तब हम ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, अगर पॉजिटिव है तो प्रिंट करें, नेगेटिव है तो कुछ भी डिस्प्ले ही ना करें वो रिजल्ट पे। अब देखिए वैल्यू मेरे ए के पास है, मैंने ग्रेटर देन इक्वल जीरो, जीरो भी एक पॉजिटिव नंबर ही होते हैं, जीरो से छोटी सारी वैल्यू जो नेगेटिव होती है। तो मैंने रजिस्ट्रेशन ऑपरेटर की हेल्प ली जिस पे चेक करा कि ए ग्रेटर देन इक्वल जीरो, अगर ऐसा है सो कर लियो अपनी ब्रैकेट रूल के अकॉर्डिंग टू, और यहाँ पे हम प्रिंट लिख देंगे नंबर इज नेगेटिव, सॉरी नंबर इज पॉजिटिव। दिस वन, सो अब देखिए मैं इसे अब एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, अब कंट्रोल एफ, नंबर इज पॉजिटिव। ओके, सो अब क्या है, अब मैंने ये दिया, अब मैं नंबर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, नंबर को मैं नेगेटिव बना देता हूँ। यहाँ पे देखिए जरा, मैंने माइनस 10 कर दिया, अब मैं इसे कंट्रोल एफ नाइन करता हूँ तो कोई रिजल्ट डिस्प्ले हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि मेरी कंडीशन अगर ये ट्रू है तो रिजल्ट एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे कोई सेक्शन मैंने एग्जीक्यूट ही नहीं करा है। इफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इफ सिंटैक्स ऐसा कहता है कि आप एल्स यूज़ ही नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है। तो हम सेकेंड कैटेगरी में सीखेंगे इफ एल्स का यूज़ करना, जहाँ पे हम इस तरीके की सिचुएशन जब हम फंस जाते हैं तो वहाँ पे हमें उसका सेकंड फेज भी चेक करना आना चाहिए, यानी कि एक कंडीशन के दोनों पार्ट हमें पता होने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको इफ स्टेटमेंट क्लियर भी हो गई होगी, कंट्रोल स्ट्रक्चर भी पता लग गया होगा। आज हम यहीं से शुरू कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं और उसके कुछ प्रोग्राम्स के थ्रू हम इसको क्लियर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तुरंत इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।